मूलहमदाशाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेदा स वेदविता अदश्चोदा प्रस्तातस्य शाखा गुणा प्रवर्धा विषय प्रवाया अदश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगत सिंह कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथी को फांसी की सजा सुनाई है। यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तो तुम्हारी एज ही क्या है। इस एज में तो लोग नए नए ड्रीम सोचते हैं, उन्हें पूरा करने का ट्राई करते हैं। ये ड्रीम तो मैंने बचपन में सोच लिया था। ये देख रहे हैं आप क्या? इस मिट्टी को तुम ड्रीम कहते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये उस जलियांवाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है, जो मुझे मेरे मकसद, मेरे वजूद की याद दिलाता है, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इसे आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पड़ती कौमों की, मुझे पता है मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी लेटर लिख कर दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी तब मैं सिर्फ 8 साल का था। जो बालक कुर्बानियों के पीछे पला बड़ा हो, आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। कल सुबह 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा।